प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशीनगर को बड़ी सौगात। पीएम ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे मौजूद। आरन खान की जमानत पर आज होगा फैसला। जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए थे आरन। महंगाई ने तोड़ी लोगों की कमर। आसमान पर चढ़े सब्जियों के भाव। कई सब्जियों के बढ़े दाम। कांग्रेस ने किया महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान। बीजेपी और बीएसपी ने साधा निशाना। कहा कांग्रेस पार्टी में नहीं हुआ महिलाओं का सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौके पर मौजूद रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस दौरान कहा कि प्रदेश का नौवां हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 17 अन्य एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जिससे कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि आज विकास की जिस गति से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसी तरीके से पूरे देश में विकास कार्य हो रहा है और पूरा देश विकासशील से विकसित होने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्वागत आज कुशीनगर को दी है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रोजगार भी बढ़ेगा, साथ ही साथ जो कनेक्टिविटी है कुशीनगर में वो भी बढ़ेगी। आर्यन खान की मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस में आज जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में पिछले हफ्ते सुनवाई हुई थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि आर्यन खान को 3 अक्टूबर को इस ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था और वो पिछले 17 दिनों से हिरासत में है। सेशन कोर्ट से पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत की अर्जी भी ठुकरा दी थी। एनसीबी का आरोप है कि गोवा जा रहे क्रूज शिप में जो ड्रग्स पार्टी आयोजित की गई थी, उसमें आर्यन खान भी थे। हालांकि बचाव पक्ष का कहना है कि आर्यन के पास से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुआ, ना ही उसने इसका सेवन किया है। हालांकि एनसीबी लगातार इस केस में बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह होने का दावा कर रही है। जो चैट मिला है आर्यन खान का, उससे कहीं ना कहीं एनसीबी पूरी तरह से ये कहती हुई नजर आ रही है कि आर्यन खान पहले भी ड्रग्स लेते रहे हैं, उनका ड्रग्स जो पेडलर हैं उनसे कनेक्शन पहले भी रहा है और अब भी उनका कनेक्शन लगातार बना हुआ है। निर्भया केस में इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली और हाथरस रेप मर्डर पीड़िता का केस लड़ने वाली वकील सीमा समृद्धि अब मनीष गुप्ता मर्डर केस की पैरवी करने वाली है। बता दें कि पिछले महीने गोरखपुर के एक होटल में पुलिस की छापेमारी के दौरान व्यवसायी मनीष गुप्ता की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में 6 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। सीमा ने कहा है कि वो बिना कोई फीस लिए मनीष गुप्ता का केस लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि मृतक मनीष की पत्नी ने उनसे मदद की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा कि वो मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान इस मामले में शामिल हैं। इस बीच मारे गए व्यवसायी की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने कहा है कि राज्य सरकार की सिफारिश के बावजूद अभी तक सीबीआई ने जांच शुरू नहीं की है। उन्होंने कहा कि अब मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रही हूं। मैं सीबीआई की लखनऊ इकाई से जांच नहीं करवाना चाहती। याचिका में मैं सीबीआई की दिल्ली इकाई से जांच कराने की मांग करूंगी। बता दें कि मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही परिवार को आर्थिक मदद दे चुके हैं और मीनाक्षी गुप्ता को कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी की नौकरी भी दे चुके हैं, लेकिन अब भी मीनाक्षी गुप्ता लगातार अपने पति के साथ हुए गलत का इंसाफ मांगती हुई नजर आ रही हैं। और जानकारी मिल रही है कि अधिवक्ता सीमा समृद्धि अब इस पूरे केस की पैरवी करने जा रही हैं। आपको बता दें कि सीमा निर्भया केस को भी देख चुकी हैं और आपने देखा था किस तरह से आरोपियों को फांसी के फंदे तक उन्होंने पहुंचवाया, बहुत मदद उन्होंने परिवार की थी। इसके अलावा हाथरस मामले में भी वो लगातार जांच कर चुकी हैं और इस पे पैरवी भी कर चुकी हैं। इसके अलावा अब वो मनीष गुप्ता मामले में भी पैरवी करती हुई नजर आएंगी। दरअसल मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने सिफारिश की है
सीमा समृद्धि से, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि वो बिना फीस लिए इस केस को लड़ेंगी और वो कोशिश करेंगे कि दिल्ली में एक केस ट्रांसफ़र हो, वहाँ पर आसानी से फिर इस पूरे केस को लड़ा जाएगा। क्योंकि मनीष गुप्ता की पत्नी ये कह रही है कि उन्हें यहाँ पर अभी विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि सीबीआई इस पूरे मामले में जाँच करेगी, लेकिन अब तक सीबीआई ने इस पूरे मामले में कोई भी जाँच शुरू नहीं की है। आप बता दें कि गोरखपुर के एक होटल में कुछ पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर मनीष गुप्ता की पीट पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद इस पूरे केस में राजनीति भी बहुत हुई थी। इस पूरे केस में कई पुलिसकर्मी जो बताए जा रहे हैं, जो आरोपी हैं, वो फरार भी बताए जा रहे थे, जिन पर इनाम भी रखा गया था। आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अब भी इंसाफ नहीं मिला है। दरअसल निर्भया केस में इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली, हाथरस रेप और मर्डर पीड़िता का केस लड़ने वाली वकील सीमा समृद्धि अब मनीष गुप्ता मर्डर केस की पैरवी करने वाली हैं। बता दें कि पिछले महीने गोरखपुर के एक होटल में पुलिस की छापेमारी के दौरान व्यवसायी मनीष गुप्ता की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में 6 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब सीमा समृद्धि इस पूरे मामले को देखेंगे, इस पूरे मामले को लड़ेंगी। गोवा के पर्यटन मंत्री मनोहर अजगावर ने मंगलवार को एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गोवा केवल सबसे अमीर पर्यटक को चाहता है, ना कि उस तरह की यात्री जो कम बजट में तटीय राज्य का दौरा करते हैं और गोवा में यात्रा करने वाली बसों में खाना बनाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हम उन पर्यटकों को भी नहीं चाहते जो ड्रग्स का सेवन करते हैं। हम गोवा को बर्बाद करने वाले पर्यटकों को नहीं चाहते। हम गोवा में बसों में खाना पकाने वाले पर्यटकों को भी नहीं चाहते। हम सबसे अमीर पर्यटक चाहते हैं। हम ऐसे पर्यटक चाहते हैं जो हमारी संस्कृति, विरासत और गोवानेस का सम्मान करते हों। हम पर्यटकों का स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें संस्कृति और परंपरा की सीमा के अंदर गोवा का आनंद लेना चाहिए। पर्यटन मंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार गोवा आने वाले पर्यटकों को नशीले पदार्थों के सेवन को बर्दाश्त नहीं करेगी। पर्यटन मंत्री ने कहा कि हम ड्रग्स के खिलाफ है, हमारी सरकार इसके खिलाफ है, हमारे सीएम इसके खिलाफ है, मैं इसके खिलाफ हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को 5 लाख वीजा मुफ्त देने के प्रधानमंत्री के फैसले से गोवा को फायदा होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को मुफ्त वीजा देने की घोषणा की थी। तो गोवा के पर्यटन मंत्री का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सबसे अमीर पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर आए। हमें ऐसे पर्यटक नहीं चाहिए जो यहाँ आकर ड्रग्स का सेवन करते हैं, बसों में खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। हमें ऐसे पर्यटकों की ज़रूरत नहीं है। इससे गोवा की संस्कृति और जो सुंदरता है गोवा की उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ नज़र आता है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, खूबसूरत गोवा, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं, जो वहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, उनसे यहाँ पर नाराज़गी देखने के लिए मिल रही है। गोवा के पर्यटन मंत्री बेहद नाराज़ हैं और नाराज़ होकर उन्होंने एक बयान जारी किया है। बयान जारी कर साफ तौर पर कह दिया है कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो यहाँ आकर संस्कृति जो है गोवा की उसको पहचाने, जो खूबसूरती है उसका सम्मान करें और इस खूबसूरती को बनाए रखने में आगे मदद करें। बिहार के मुजफ्फरपुर के रुपौली गांव में अंतिम संस्कार के बाद का भोजन करने से एक बच्चे की जान चली गई, जबकि 24 अन्य गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। बता दें कि बच्चे गणेश महतो नाम के ग्रामीण के घर पर गए थे, जिसकी पत्नी का हाल ही में निधन हो गया था, और अनुष्ठान के अनुसार उन्होंने मंगलवार शाम को एक अंतिम संस्कार भोज का आयोजन किया था, जहाँ खाना खाने के बाद बच्चों ने उल्टी और पेट में तेज दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने एक मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि कुछ बच्चों को सरैया के कॉमन हेल्थ सेंटर में, कुछ बच्चों को निजी अस्पतालों में और 5 को सदर अस्पताल में रेफर किया गया है। उन्होंने बताया कि हमने सीएचसी सरैया के चिकित्सा अधिकारियों को बच्चों का इलाज सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी भी सीएचसी के साथ साथ गाँव में भी डेरा डाले हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने अंतिम संस्कार के भोजन के नमूने इकट्ठा किए हैं और उन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया है। हम दृढ़ता से मानते हैं कि व्यंजन तैयार करने में मिलावटी सामग्री का इस्तेमाल करने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक मासूम की जान चली गई है, कई और बच्चों की हालत खराब बताई जा रही है।
सब्जियों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। पिछले दिनों लगातार हुई बारिश के चलते बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से सब्जियां खेतों में ही खराब हो गई थी। सब्जी व्यापारी का कहना है कि फिलहाल दामों में कमी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। पिछले दिनों लगातार बारिश के चलते सब्जियों का उत्पादन प्रभावित हुआ है। बता दें कि प्याज, टमाटर, परवल समेत कई सब्जियों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि आम आदमी के लिए इन्हें खरीदना बेहद मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि सर्दियों में 20 रुपए के भाव मिलने वाला टमाटर इन दिनों मंडियों में 80 रुपए किलो मिल रहा है, 100 रुपए किलो बाजारों में मिल रहा है। 15 दिन पहले सब्जियों के दाम कम चल रहे थे, अचानक से वृद्धि देखी गई है। टमाटर, आलू, प्याज, मटर से लेकर ज्यादातर सब्जियां महंगी हो गई हैं। 5 रुपए से लेकर 30 रुपए प्रति किलो तक का भाव बढ़ गया है, जिससे जो गृहिणी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। उनके जो पकवान हैं, जो पकवान से जैसी थाली होती है, उसमें से कई व्यंजन गायब हो गए हैं। प्याज, टमाटर तो पूरी तरह से गायब हो गया है, क्योंकि प्याज 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो मिल रही है। वहीं टमाटर की बात की जाए तो टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं, 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है। तो आम जनता बेहद परेशान है। बढ़ती महंगाई की वजह से सबसे ज्यादा दाम सब्जियों के बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है। आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि सब्जियां इतनी महंगी हो गई है कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि वो अपना जीवन यापन कैसे करें। दालें महंगी हो गई हैं, खाद्य पदार्थ महंगे हो गए हैं, इस वजह से लोग बेहद परेशान हैं। थोड़ा थोड़ा सामान लेकर या थोड़ी थोड़ी सब्जियां लेकर लोग गुजर बसर करने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। बेगूसराय में पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी आचार्य किशोर कुणाल ने जम्मू कश्मीर में बिहारियों की हत्या पर दुख जताया। किशोर कुणाल ने कहा है कि बिहारी होने और मानव होने के नाते व्यथा होती है। किशोर कुणाल ने कहा है कि पूरे देश में मंदिरों की जमीन पर अतिक्रमण हो रखा है। पहले इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब सरकार की तरफ से सभी मंदिर की जमीनों का सर्वे कराया जा रहा है। अतिक्रमण की गई जमीन वापस होनी चाहिए, इस पर अवैध रूप से कुछ चीजें बना दी जाती हैं। पहले इसके खिलाफ आवाज नहीं उठती थी, लेकिन अब सरकार सर्वे करा रही है। जो जो जमीन ऐसी थी जहां पर मंदिर हुआ करते थे, उनको चिन्हित किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर कुणाल ये कहते हुए नजर आए कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कुछ बिहार के लोगों की हत्या हो गई है, बिहार के मजदूर वो बताए जा रहे हैं, उससे वो काफी हताश हैं। उन्हें डर लग रहा है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। रोहतास के सासाराम में शादी का झांसा देकर एक तलाकशुदा महिला को झारखंड में बोकारो से सासाराम बुलाकर उसके साथ गलत काम करने और मारपीट करने का एक मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। लगातार उससे पूछताछ भी की जा रही है। महिला आरोप लगा रही है कि पहले उसे बुलाया गया, उसके साथ गलत हरकत की गई है, उसके साथ मारपिटाई की गई, जिसके बाद उन्हें थाने में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ भी की जा रही है। तो रोहतास का ये पूरा मामला, जहां पर सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार चलता रहा। महिला ये कहती रही कि उसके साथ बदसलूकी हुई है, उसके साथ मारपिटाई की गई है। झारखंड के बोकारो से उसे बिहार के रोहतास लाया गया और रोहतास में उसके साथ बदसलूकी की गई है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ भी लगातार की जा रही है। तब क्या हुआ? चार साल से। और चार साल से कभी मिले नहीं थे आप लोग? मिले थे सर। हाँ, तो मेरा भाई का शादी ये लोग गया था सासाराम, यहाँ क्या नाम बनारस में। अच्छा, तब भी गया था मेरा परिवार, वो लोग सब जानते हैं। आपका घर कहाँ है? बोकारो में। आपका परिवार इनको जानता है? हाँ, जानता है। क्या रिश्ता संबंध है, क्या है दोस्ती यारी रिश्ता संबंध क्या है? दोस्त नहीं सर, दोस्त अगर रहता तो हमको ये करके दवाई खिला देता। बेगूसराय के खोदावनपुर ब्लॉक के 8 पंचायत और नावकोठी प्रखंड के 9 पंचायतों में मतदान शुरू हुआ। खोदावनपुर ब्लॉक में जिला परिषद के एक पद, मुखिया 8, सरपंच 8, वार्ड सदस्य 112,
पंच 112 और पंचायत समिति के 11 पदों के लिए 114 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 61,543 मतदाता मतदान कर रहे हैं। हर पंचायत में सुरक्षा को लेकर 2 सेक्टरों में बांटा गया है। हर मतदान केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती बताई जा रही है। इसके साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। दोनों ब्लॉक में आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए, जहाँ मतदाताओं की सुविधाओं का ख्याल भी रखा जा रहा है। हालांकि रात से हो रही बारिश से मतदान पर असर पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। मतदान केंद्र पर मतदाता छाता लगाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। मतदान केंद्रों पर लगातार बारिश के बावजूद कोई व्यवस्था नहीं होने से मतदाताओं में खासा नाराजगी भी देखी जा सकती है। बेगूसराय की तस्वीरें, व्यवस्था न होने पर मतदाता बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। करीब 61,543 मतदाता मतदान कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता यहाँ पर की हुई है। मतदान जो है सो चालू हो गया और मतदान केंद्र पर जाने के लिए पूरा पानी है। 6 नंबर में जाकर के देखिए, 7 नंबर में जाकर के देखिए, वीडियो कॉल क्या कर रहा है, कैसे आदमी जाएगा वोट देने के लिए। कल से बारिश हो रहा है एकदम, एक भी आदमी जो है सो कोई प्रशासन में वीडियो आ रहा है, न कोई आ रहा है, कैसे मतदान करेगा। नहीं होगा तो हम लोग मतदान को रोक देंगे। यहाँ समस्या है कि कल से जो ये लोग आए हैं पदाधिकारीगण, इनके लिए ना बेंच था, ना टेबुल था, ना कुत्ता, तो ग्रामीण के सहयोग से हम सब कुछ उपलब्ध हो पाया। उसके बाद यहाँ पे ना लाइट है और ईवीएम में कैसे वो बटन दबाएंगे। सबसे बड़ा समस्या ये है कि यहाँ जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए, जो अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हो रहा है। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्म हो गई है। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग का आलम यह है कि अब दोनों एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर कई आरोप लगाए हैं। हरीश रावत के करीबी लोगों पर हरक सिंह रावत ने चरित्र हनन के मामले में उनको फंसाने की कोशिश का आरोप लगाया। हरक सिंह रावत का कहना है कि 2016 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, तब उसके बाद हरीश रावत के करीबी लोगों ने कई लड़कियों से संपर्क कर पैसे देकर उन पर झूठे आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की, जिसके सबूत उनके पास हैं। इतना ही नहीं, हरक सिंह रावत का कहना है कि 2016 में कांग्रेस छोड़ने के बाद हरीश रावत ने उन्हें जेल में डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत को नहीं मिला। उनकी सहसपुर की जमीन की जाँच भी लगातार कराई गई थी। उत्तराखंड में इन दिनों बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है। राज्य में भयंकर मंजर देखने को मिल रहा है। इस तबाही ने 2013 की उत्तराखंड त्रासदी की याद दिला दी है। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में अब तक 47 लोगों की जान चली गई, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। नैनीताल का राज्य के बाकी हिस्सों से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। यहाँ हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया गया। उधर अल्मोड़ा में काठगोदाम और दिल्ली को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का एक हिस्सा बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया है। कुमाऊं क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां अब तक 46 लोगों ने बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अपनी जान गंवा दी है। लगातार हो रही बारिश के चलते सैकड़ों घर तबाह हो गए, कई लोग फंसे हुए हैं। अब भी राहत और बचाव का काम लगातार उत्तराखंड में जारी है। तो उत्तराखंड में इन दिनों तेज बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। आम जनमानस पूरी तरह से परेशान बेबस नजर आ रहा है। टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं, लेकिन जो नैनीताल है वहां पर हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। बाकी जो राज्य के अन्य इलाके हैं वहां से नैनीताल का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। ऐसे में राहत सामग्री पहुंचाने में भी जो जवान हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। मंजर ऐसा है कि देख कर ही डर लगता है। ग्रेटर नोएडा दादरी थाना क्षेत्र के रेलवे रोड पर एक बड़ी घटना देखने को मिली, जहां अपनी बहन के साथ दवा लेकर जा रही एक युवती को सड़क पर एक सिरफरे आशिक ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद खुद को भी गोली मार ली, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल लेकर आई, जहां लड़की को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, जबकि युवक को गंभीर अवस्था में नोएडा के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आला अधिकारियों ने अपनी जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एक तरफा प्यार के चलते युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया।
तो ग्रेटर नोएडा का एक पूरा मामला जहां पर अपनी बहन के साथ दबा लेकर जा रही युवती पर सिरफिरे आशिक ने गोली चला दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं खुद को भी आशिक ने गोली मार दी। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। थाना दार्जिलिंग अंतर्गत रेलवे रोड पर दो बहनें एक साथ दवा लेकर के जा रही थी। इसी बीच में पूर्व परिचित एक लड़का आया। लड़के ने बड़ी लड़की को बुलाया, जब उसने अनसुना किया तो उसने उसको गोली मार दी तथा गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार लिया। तत्काल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस ने तत्काल उसको स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां लड़की को मृत घोषित कर दिया गया। लड़का अभी जीवित है, जिसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर करा के तत्काल भेज दिया गया है। लड़की के पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें सभी बिंदुओं की जाँच की जा रही है। इसमें पूर्व में ये लोग एक मोहल्ले में रहते थे, अब अलग अलग मोहल्लों में रह रहे थे। सभी बिंदुओं की गहनता से जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, प्रियंका के सलाहकार पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया है। वहीं इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मलिक ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया। सूत्रों की माने तो ये दोनों नेता जल्द ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो जहां कांग्रेस अपने आप को पूरी तरह से मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कुछ बागी नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी पार्टियों का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रियंका गांधी के पूर्व सलाहकार ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। इसके अलावा एक और नेता बताए जा रहे हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का मन बना लिया है। दीपावली और छठ से पहले स्वास्थ्य विभाग की ओर से राहत भरी खबर सामने आ रही है। ताजा आंकड़ों को देखें तो देश में लगातार चौथे दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,000 से नीचे है। ये आंकड़े त्योहारों से पहले शुभ संकेत दे रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो ताजा आंकड़ा बताते हैं कि कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे तीसरी लहर की आशंका भी घट रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 14,623 कोरोना संक्रमित सामने आए। साथ ही देश में 19,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। हालांकि 24 घंटों में 147 कोरोना संक्रमितों ने दम भी तोड़ा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।